नमस्ते बच्चों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं नैतिक शिक्षा विषय अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा सातवीं की नैतिक शिक्षा पुस्तिका से पाठ 20 हमारे पर्व इसका भाग चौथा पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के इस भाग का श्रवण आप हमेशा की तरह एकाग्रता से करेंगे। आइए बढ़ते हैं भाग 4 की ओर। बच्चों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे पर्व के छठवें भेद की, जो है राष्ट्रीय पर्व। इसमें सबसे पहला राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस, जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी। इस दिन हमने लाल किले पर अपना तिरंगा फहराया था। दूसरा राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसे प्रत्येक भारतवासी पूरे उत्साह, जोश और सम्मान के साथ मनाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश को पूर्ण स्वायत्त गणराज्य घोषित किया गया था और इसी दिन हमारा संविधान भी लागू हुआ था। यही कारण है कि प्रतिवर्ष भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आइए अब अगली जानकारी प्राप्त करते हैं। ईसाइयों के त्योहारों में क्रिसमस, ईशु का जन्मदिन, गुड फ्राइडे, यीशु के सूली पर चढ़ने का दिन, और ईस्टर, यीशु का पुनर्जन्म दिन विशेष उल्लेखनीय है। मुसलमान अपनी दो ईदों को और शबेरात को प्रसन्नता से और मुहर्रम को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। इन पर्वों में श्रावणी सबके लिए वेदों का अध्ययन प्रारंभ करने का दिन है। बहनें अपने भाइयों के हाथ में इस दिन राखी बांधती है और भाई उनकी रक्षा का व्रत भी लेते हैं। विजयदशमी शौर्य का पर्व है। इस दिन देश के लोग राष्ट्र रक्षा का व्रत लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम ने इसी दिन लंका के राजा रावण का वध करके सीता को मुक्त कराया था। अंतिम चित्र में आप देख सकते हैं, लक्ष्मी पूजा मनाई जा रही है। दीपावली मुख्यतः लक्ष्मी पूजा पर्व होने से विशेष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन सावनी फसल के लिए अन्न का यज्ञ होता है, आवासों की सफाई की जाती है, नए आर्थिक वर्ष का शुभारंभ होता है तथा दीपों के प्रकाश द्वारा अंधकार पर प्रकाश की एवं अधर्म पर अज्ञान और धर्म और ज्ञान की विजय दिखाई देती है। समझा ना आपको कि दीपों के प्रकाश से क्या होता है, अंधकार दूर चला जाता है, अधर्म और अज्ञान पर धर्म की जीत होती है और ज्ञान की भी विजय दिखाई देती है। होली उल्लास का पर्व है। पुराने वैर भाव को भुलाकर सबको प्यार के रंग में रंग दिया जाता है। नई फसल के अन्न से उस यज्ञ की पूर्णाहुति दी जाती है, जिसका प्रारंभ वसंत पंचमी से अखंड रूप में किया जाता है। जिसके घर कोई मृत्यु हो गई हो, उसके अन्य त्योहार तब तक बंद रहते हैं जब तक होली ना आ जाए। ये हिंदुओं की प्रथा और परंपरा है। बच्चों, होली को वह परिवार भी मना सके इसलिए 4 दिन पूर्व आमल की एकादशी को शोक उठा दिया जाता है। इन सब पर्वों की जानकारी हमने पिछली ई कक्षा में ही आपको दे दी है। इसी प्रकार
अन्य सभी पर्व व्यक्ति और समाज के जीवन में नई प्रेरणा तथा उत्साह पैदा करने का काम करते हैं। यदि पर्वों को सही भावना के साथ मनाया जाए तो समाज में आत्मीयता, सद्भावना एवं कर्तव्य निष्ठा के भाव जागृत होंगे, इनमें संदेह नहीं। और वैसा भी हमने पहले ही यह समझ लिया है कि पर्व जो है वो सभी को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ 20 हमारे पर्व समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ पसंद आया होगा और बहुत सी जानकारी भी आपने इकट्ठी कर ली होगी और आपको हमेशा के लिए यह जानकारी स्मरण में भी रहेगी। आइए आज के इस भाग के आधार पर देखें आज का गृह कार्य। आज का गृह कार्य है प्रश्न पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। क, हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं? ख, क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर डे से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। मुझे विश्वास है आज के इस आसान से गृह कार्य को आप जल्दी पूरा कर लेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।